आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएफ टेक के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी के साथ साथ अभी तक आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। स्क्रीन पे दिखाई गए स्कैनर को स्कैन कर सकते हो, कोड को स्कैन कर सकते हो और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। बात करें एचसीएल टेक की Q4 के रिजल्ट की, तो इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। जी हाँ बिल्कुल, डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹18 पर शेयर, तो ₹18 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो जितने भी आपके पास शेयर्स हैं उसे मल्टीप्लाई बाय 18 कर दीजिए, उतना वैल्यू का आपको डिविडेंड मिल जाएगा। समझिए आपके पास 10 शेयर है तो मल्टीप्लाई बाय 18 कर दीजिए, ₹180 का आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ये है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, सारे फिगर्स आपको रुपीज में करोड़ में आते हुए देखने को मिलेंगे। टोटल इनकम की बात करें 27,000 करोड़, लास्ट क्वार्टर 26,000 करोड़, लास्ट ईयर 22,000 करोड़। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से YoY Q1Q अच्छी ग्रोथ आपको नजर आती हुई देखने को मिल रही है। उसी के अलावा अगर हम बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, अगर हम बात करें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो आपको निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4,169 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर 5,249 करोड़ का था, लास्ट ईयर 3,912 करोड़ का था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिजल्ट ओके है, ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा मिस आया है। थोड़ा सा डिटेल में हम चेक कर लेते हैं कि किधर कोई चार्जेस एक्स्ट्रा लगे हैं क्या इनके, नहीं तो एक्सपेंसेस भी सेम है, जितना लास्ट ईयर एक्सपेंस हुआ था उतना ही एक्सपेंस है, टैक्स एक्सपेंस भी सेम है, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो आई गेस देयर इज सम, ठीक है ठीक है, रिजल्ट ज़्यादा कुछ खास नहीं रिजल्ट आते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो लास्ट ईयर एक एक्सेप्शनल था, लास्ट क्वार्टर एक एक्सेप्शनल जो आपको रिक्लासिफाइड हुआ था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट था वो बढ़कर आया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिजल्ट अच्छे हैं, Q1Q YoY दोनों ही बेसिस पे रिजल्ट आपको अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। EPS की अगर हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी 14.71 का है, लास्ट क्वार्टर 13.27 का था, लास्ट ईयर 13.27 का था, लास्ट क्वार्टर 15.13 का था। तो Q1Q YoY रिजल्ट अच्छा है, लास्ट ईयर एक एक्सेप्शनल आइटम था तो उसकी वजह से थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट इनको कुछ हुआ था, तो लेट्स मी शो यू दैट हाईलाइट करके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1113 करोड़ रुपए का कुछ उनको प्रॉफिट में हुआ था, आइटम दैट वॉज रिक्लासिफाइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 1111 करोड़ का करीब करीब आपको 1113 करोड़ का करीब करीब आपको एक प्रॉफिट एडिशनल होता हुआ देखने को मिला था, जिसकी वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर आया था। अब की बार वो ऐसा कुछ एडिशनल हुआ नहीं है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिजल्ट अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। धन्यवाद।